खबर है पूरे संथाल परगना से। पहला खबर है गोड्डा से, महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर समाज का भविष्य। ऑल बैंक और सिटी के सरकंडा स्थित प्रशिक्षण भवन में महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षुक महिलाओं के बीच बतौर मुख्य अतिथि डीडीसी अंजलि यादव ने प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर डीडीसी अंजलि यादव ने कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर ही समाज का भविष्य निर्भर है। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो समाज का भविष्य खुशहाल होगा। यह खबर है दुमका के दलाही से, मसलिया में 3 माह से लाभुकों को पेंशन नहीं मिली। मसलिया के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोग को 3 माह से पेंशन नहीं मिली है। सभी वृद्ध महिला व पुरुष को पेंशन नहीं मिली है। सभी को हर माह 1,000 रुपये मिलते हैं। भले ही समृद्ध के लिए इतनी रकम कोई मायने नहीं रखती हो, पर जरूरतमंद के लिए यह काफी मायने रखता है। पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। महीने में इस पैसे से दवा से लेकर अन्य छोटी मोटी जरूरतों को इसी राशि से पूरी करते हैं, लेकिन 3 माह से पेंशन मिलने की उम्मीद दिन गिन रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार रवि का कहना है कि 3 माह से पेंशन बंद होना दुखद है। ऐसा क्यों हुआ है इसकी जांच करवाई जाएगी। यह खबर है जामा से, तलोई को पर्यटन स्थल बनाने का होगा प्रयास। तलोई गर्म कुंड को पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही रूपरेखा तैयार कर काम कराया जाएगा। यह बात जामा की विधायक सीता सोरेन ने शनिवार को प्रखंड कार्यालय के पूर्व निर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कही। खबर है देवघर के मोहनपुर से, बिजली संशोधन विधेयक वापस लिए जाने की मांग। भाकपा माले द्वारा शनिवार को प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया गया। साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर 10 सूत्री मांग को लेकर एक मांग पत्र अंचल अधिकारी को सौंपा गया। मांग की गई है कि किसान विरोध कानून को वापस लिया जाए। वहीं बिजली संशोधन विधेयक को भी वापस लिए जाने की मांग की गई। किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कानून बनाए जाने, ग्रामीण इलाके में मनमाने ढंग से बिजली बिल दिए जाने, किसान को बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की गई। खबर है देवघर से, आखिरकार खत्म हुआ है वैक्सीन का इंतजार। पहला डोज लेने के बाद बढ़ा उत्साह व उमंग। लंबे समय के इंतजार के बाद कोरोना वैक्सीन के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शनिवार को सदर अस्पताल व मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल में वैक्सीन को लेकर सुबह से ही हलचल तेज थी। वैक्सीन दिए जाने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सीएस ने लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी व कर्मी जुटे रहे। खबर है जामताड़ा से, पहले दिन 100 लोगों को दिया गया टीका। लंबे वक्त के इंतजार के बाद हेल्थ केयर वर्कर और कर्मियों को शनिवार को सदर अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए टीका दिया गया। पहले फेज में चयनित 100 सूचीबद्ध कर्मियों में से टीकाकरण केंद्र में सहकर्मी ही पहुंचे। पहली टीका सदर अस्पताल के सफाई कर्मी छवि मेहरा को लगा। दूसरा टीका जिला स्तरीय कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल उदलबनी के प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश झा और दूसरा टीका जिला स्तरीय कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल उदलबनी के प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश झा को और तीसरा टीका चालक राजेश प्रसाद यादव को लगा। खबर है पाकुड़ से, कार्यकर्ताओं से मिले सांसद, जाना ग्रामीणों का हाल। जामुमो जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है। हमें समाज के दबे कुचले गरीब व असहाय लोगों को चिंता करनी है। पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों की समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करें। यह बातें सांसद विजय हांसदा ने शनिवार को महेशपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कही। यह बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। सांसद ने उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं तथा ग्रामीणों का हालचाल की जानकारी ली। खबर है साहेबगंज से, भर गया गोदाम, लौट रहे हैं किसान। जिले में धान खरीद की स्थिति काफी खराब है। निर्धारित 35,000 क्विंटल के विरुद्ध अब तक मात्र 10,500 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है, लेकिन कई क्रय केंद्र पर धान की खरीद बंद है। तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। इस वजह से किसानों को दलालों के हाथ अपना धान 1,000 से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल तक धान बेचना पड़ रहा है। खबर है पाकुड़ के पाकुड़िया से, पाकुड़ में 26 फरवरी तक राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर शुक्रवार को महेशपुर मुख्यालय स्थित महेश्वर नाथ शिव मंदिर प्रांगण में प्रखंड क्षेत्र के हिंदुओं से कोष संग्रह का शुभारंभ
कूपन काट कर किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन मुख्य रूप से मौजूद थे। पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर यह दुनिया का सबसे बड़ा धन संग्रह अभियान है। धन संग्रह 45 दिवसीय है जो 14 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारा के साथ राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ निकल पड़े हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।